सबसे पहला पहला आ रहा है पति को कैसे सुधारे। दही मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी दिमाग की कर देती है। दीदी नहीं आए बेटा, दीदी तो वहीं रह गए। क्या हुआ? हाँ, ओह ये तो मुझे लग रहा है ड्रैगन आग फेंक रहा है। क्या कर रही है? हवा खा रही हूँ। छोटे होते थे ना तब ये चीजें करते थे, हवा चल रही है ना, मम्मी पापा ने पूछा क्या कर रहे हो, हवा खा रहे हैं। एंड हम लोग आ गए हैं ट्रेन में, ठीक है। एंड पता है अभी क्या हुआ कि जैसे हमने बता तो रखा था आज हम वापस जाएंगे, तो स्पेशली कोई चॉकलेट देने आ गए। आप शूट नहीं किया नहीं नहीं मैंने आपको बोला था शूट करो। अच्छा, तो स्पेशली कोई स्टेशन पे आया था तो इनको चॉकलेट देने आए थे, तो वो वेट कर रहे थे कहीं हम लोग चले तो नहीं गए। वो चैम्बर में ढूंढ रहे थे, वो उसी डिब्बे में चढ़े थे अभी। अच्छा, थैंक यू यार इतना सारा प्यार देने के लिए, लिटरली थैंक यू, मतलब सच में आई हैव नो वर्ड्स। क्या होता है मैं ये वाले पोर्शन शूट इसलिए नहीं करता, कई बार क्या होता है कुछ लोग जैसे मतलब मे बी कम्फर्टेबल ना हो तो फिर मैं इसलिए शूट नहीं करता हूँ। तो यार कई बार हम कई जगह जाते तो लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उपासना की दुनिया जो है वो भी ग्रो कर रहा है। हम लोग 2,15,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गए हैं, कुछ वीडियोस पे बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वाले चैनल को आप चेक करिए, बहुत बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं, आपको मतलब डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या कहते हो? और कोई भी हेल्थ इशू के लिए तो मैं हूं यार, वो आप क्लिनिक इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जो लोग क्लिनिक का एड्रेस पूछते हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में हमने जो उपासना की दुनिया चैनल वहाँ पे ऐड कर रखा है। सो फाइनली सेटल हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और विद इन 5 दिल्ली, मतलब 6 बजे हम लोग, ना 6 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ जाके रिद्धि और पापा वेट कर रहे होंगे। और मतलब सबसे बेस्ट पता है सारी सब्जियाँ यहीं से पैक करवा ली, जाके कुछ ना बनाना। इतना जबरदस्त व्यू है ना ये, और पूरा पानी का कलर हर चीज अमेजिंग। तो क्या था, क्या हुआ ना, मैं ना गूगल कर रहा था तो पति वर्ड ना मैंने ऐसे गूगल किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे पहले जो गूगल सजेस्ट कर रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब जिसको सर्च किया गया इधर आओ। सबसे पहला पहला आ रहा है पति को कैसे सुधारे। पहला मतलब जो गूगल ना मतलब सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किया जा रहा है वो आ रहा है पति को कैसे सुधारे, सबसे पहले रिकमेंडेड में आ रहा है। अब हम अगर पत्नी का सर्च करते हैं ना तो आता है पत्नी का महत्व, शायरी, पत्नी के लिए स्टेटस, पत्नी से धन योग, मतलब इतना खौफ है ना पतियों के मन में पत्नियों के लिए कि पहला आ रहा है पत्नी के लिए शायरी, पत्नी के लिए स्टेटस, पत्नी से। इससे तो मैं क्या सबक मिलता है, रुक जाओ ना, सबक सबक गया तो अपनी ऐसे ऐसे कराने हैं। कैसे कैसे हो गया ना पिंपल, ये ना कुछ रिएक्ट कर गया है कुछ, ये जो मेरे को लग रहा है मल्टीग्रेन रिएक्ट कर रहा है क्योंकि करती है ढंग के सूप करते नहीं है सूट। एंड यार ये हमारा लंच आ गया है ट्रेन में। हाँ अनुपमा लंच आ गया है, दही मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी दिमाग की कर देती है। इसमें देखते हैं इनमें क्या क्या है, एक में पनीर होगा, एक में दाल होगी, एक में राइस होगा और एक में मिक्स वेज होगा, ये रोटी है। इंडियन रेलवेज अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, शाही पनीर इज नाउ पनीर बटर मसाला, चावल जो नॉर्मल होते थे वो ऑलमोस्ट पुलाव, एंड मिक्स वेज भी दे रखा है साथ में। सो अच्छा है, पहले सिर्फ पानी पानी की तरह खाना होता था। हाँ, पहले जो दाल आती थी उसमें पानी ज्यादा होता था, दाल ढूंढनी पड़ जाती थी, अब पानी ढूंढना पड़ रहा है पर दाल दिख रही है। सो देश एक्चुअली बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है इनका पेट। कहीं में मजा आ गया, किसी ने बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की। चाय, सोन पापड़ी एंड जूस, समोसा और ये पका हुआ इंसान। कृपया ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। सावधान भाई, पता है क्या,
एक तो ना आसपास जब बच्चे बैठ जाते हैं, एक साल का बच्चा बैठा था उसने भाई, ऐसा नक्षत्र था, सेम यही सीट थी ठीक है, और वही वही सेम फैमिली जाते टाइम भी आते टाइम भी, और भाई इतनी भड़क मचा दी ना, इतनी भड़क मचा दी कि मुझे बच्चों से इतना प्यार है, मुझे ना नफरत होने लगती है कई बार, अरे यार बालक अपने संभाल नहीं सकते फिर कर... अपने बालक बढ़िया लगन लगे होंगे मैं। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम लोग फटाफट से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, और पीछे जाने वालों की लाइन, आने वालों का रास्ता खाली है, थक गए। हाँ वही है ना, इंसान मेहनत करता है, पूरे दिन काम करता है तो भी थक जाता है, और अगर बैठा रहता है बैठे बैठे भी थक जाता है। होता क्या है कि जब हम पूरा दिन काम करते हैं तब तो हम काम से थकते हैं, और इंसान मेरे को ऐसा लगता है बेला बैठ के ज्यादा थकता है, तो आज बैठे 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 थक गए। हालांकि सिर्फ 5 घंटे की जर्नी थी, मतलब 30 मिनट्स लेट थी, तो 5.5 घंटे लगे ना हमें, थक गए ना, थक गए। अभी घर जाके खाना भी बनाना है। हेलो दीदी, नहीं आए बेटा, दीदी तो वहीं रह गए ना। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। दीदी नहीं आए ना, वो तो हिमाचल ही रुक गए। आज क्या हो गया? तो भैया तो आए हैं ना, चलो चलो चलो, दीदी से बात करवा देता हूँ आपकी। आज दीदी से बात करवा देता हूँ ना, दीदी से अभी आपकी बात, दीदी आएंगी 3 दिन में, दीदी से दीदी आएंगी 3 दिन में, रुको मैं बात करवा देता हूँ आपकी। अब उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि आप जब काम नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊंगी, आप तो अच्छे बच्चे बने ही नहीं थे, इसीलिए कहते थे ना अच्छे बच्चे बन जाओ। अभी बात करवा देता हूँ आपके, तो आप अच्छे बच्चे नहीं बने तो वो नहीं आए। लो हाँ मैं पहुंच गया, पहुंच गई। दे दो मेरे को बस, जैसे आप मम्मी के पास जाते हो ठीक है, ठीक है अरुण, चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय, ठीक है रिद्धि। मुझे क्या खाना बना के खिलाओगे आज आप? क्या हुआ, क्या हो गया है? ये एक्टिंग कर रही है मुझे पता है। बस तो कल आ जाएंगी बेटा, वो कल आ जाएंगी ट्रेन से, कल आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, अच्छा कल आ जाएंगी, अच्छा लेके आऊं अभी जाके, अभी जाऊं कैसे, अभी ट्रेन से मैं दोबारा जाऊं तो मैं थका हूं, कल चला जाऊंगा ना। ये तो प्रैंक था रिद्धि, तो अच्छी बन गई मेरे को पता है, ये तो प्रैंक है, ये तो प्रैंक था, ये तो प्रैंक था, आप नहीं करते हो मेरे साथ रोज प्रॉमिस करके। चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ रोज, अच्छा चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, आप नहीं करते हो, मैंने तो सोचा था रिद्धि ने मेरे लिए आज खाना बना के रखा होगा, मैगी वैगी, क्योंकि दीदी को भूख लगी होगी, क्या बना के रखा, आ जाओ अच्छा मेरे पास आ जाओ, नहीं आना, आज मेरे को तो लगा था कि खाना बना के रखा होगा रिद्धि ने, है? कुछ नहीं बनाया क्यों? तो यार आने के बाद कर लिया चेंज, एंड चेंज करने के बाद उपासना लग गई है अपनी रूटीन ड्यूटी पर। रिद्धि रोने लग गई थी लेकिन अब रिद्धि खुश हो गई है, रिद्धि बहुत अच्छा बच्चा बन गया है ना। रिद्धि के ना मार्क्स आज मार्कशीट आई है तब हमें पता चला वो उसके 80% से अब मार्क्स है जितना वो अटेम्प्ट करके आई है, हर पेपर में 20-20 तो अभी उपासना बना रहे खाना,
तो जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी गई हुई है बनारस, मम्मी की कल की ट्रेन है, तो मम्मी परसों आएंगे एंड तब तक एक से दो दिन सारी किचन उपासना को संभालनी पड़ेगी यहाँ पे आके ऑफिस से, एंड इवन रिद्धि को तैयार करके भेजना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ना वहाँ से सब्जी लेके आ गए थे। मैंने कहा यहाँ आके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मिक्स वेज बहुत टेस्टी वो भी बची हुई थी एंड पनीर की बची, तो हम लोग ले आए। एंड ये रिद्धि ने दिया है मुझे उपासना को गिफ्ट, वाओ, मैं इसे डेली कैरी करूंगी ऑफिस में, तो ये आपका गुड लक चार्म होगा पता है, ठीक है रिद्धि? इसलिए मैंने मशरूम दिया क्योंकि आपने मशरूम टिक्का अच्छा बनाया था। तो फाइनली आ गए हम अपने रूम में, कर लिया हमने डिनर, कैसा लगा डिनर? बहुत टेस्टी। तो अभी क्या था कि कल एक्चुअली मम्मी निकल गए थे एक की रात को, तो कल जो खाना खाया था तो बिल्कुल ही सो गई थी, मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा क्या नहीं हो रहा। एंड हुआ ये कि कल जो खाना बनाया था वो बनाया था पापा ने, तो कल की रोटी कैसी लगी थी आपको? बहुत टेस्टी। तो यार ठीक है, अब एंड करते हैं आज वाले व्लॉग को। उपासना ले रहे हैं अपना सूप, ठीक है, अच्छा रिद्धि का भी सूप इधर किधर रखा हुआ है, पड़ा हुआ कहीं किसी कोने। तो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ये जो नंबर यहाँ पे दिया आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, वो बेशक से वो पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, मुझे पता नहीं यार एलर्जी हो गई है वैसे, ठीक है, तो मैं भी कोई होम रेमेडी करूंगा एंड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये फटाफट सारा ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं भी कल से होम रेमेडी, यार आज बहुत थक गए हैं, तो कल से या परसों से होम रेमेडी स्टार्ट करेंगे कोई इन पिंपल्स के लिए, ठीक है। तो एंड करते हैं यहीं पे, किसी प्रकार की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो पिगमेंटेशन, पिंपल, एक्ने, डायबिटीज, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, पाइल्स का इश्यू है, या फिर आपको, मैं भूल रहा हूँ, हेयर रिलेटेड कोई भी इश्यू है, या अगर आपको फेस मास्क परचेज करना है वेद आयुर्वेदा का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस बस ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।